जिसने कहा तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, उसी प्रभु यीशु के नाम आज की आशीर्वाद के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। स्तुति, प्रवचन, गवाही और आराधना के द्वारा आपको और आपके परिवार, आपके प्रियजनों को ढेर सारे आशीष मिले। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में हम करते हैं दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में हम करते हैं दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कितना अच्छा है कि हम सब प्रभु यीशु के नाम की स्तुति करें। ये नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है, ये नाम जो सब नामों से ऊंचा है, हमारा प्रभु यीशु का नाम, प्रभु यीशु का मीठा नाम, प्रभु यीशु का मधुर नाम, प्रभु यीशु का चंगाई देने वाला नाम, ये वही नाम है जिस नाम में हम सबको कृपा मिलती है, ये वही नाम है जिस नाम में हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु का नाम, प्रभु यीशु का शक्तिशाली नाम। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय दूसरा और वचन 8 और उसके आगे, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय दूसरा और वचन 8 और उसके आगे, मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना दिया, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके हैं और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु के नाम में हमें क्षमा मिलती है, प्रभु यीशु के नाम में हमें शिफा मिलती है, चंगाई, प्रभु यीशु के नाम में हमें कृपा मिलती है, कृपा के ऊपर कृपा। योहन का सुसमाचार अध्याय पहला और वचन 16 में ऐसा लिखा है, यीशु के द्वारा, उनके द्वारा हमें कृपा के ऊपर कृपा मिला।
और ये वही नाम है जिस नाम पर हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में हम करते हैं दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में हम करते हैं शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में हम करते हैं दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया।
Hallelujah, 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 Stuti Mahima, Stuti Mahima, hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में परमेश्वर कहते हैं, मेरे लोगों ने दो अपराध कर दिए। हम पढ़ेंगे ये वचन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग निकालिए इस वचन को, लिखिए भी, बाद में चलकर आप लोग पढ़िएगा, बाद में चलकर पढ़िएगा। यस ब्रदर, पढ़िए। मेरी प्रजा ने कितने अपराध। अब प्रभु क्या कह रहा है, मेरी प्रजा। यहां पर प्रभु भेद कर रहा है, एक विभाजन कर रहा है। एक दुनिया की प्रजा है, वो नहीं, मेरी प्रजा, जिसको मैंने चुना है, जिसको मैंने अलग किया है, जिसको मैंने बुलाया है, जिसको मैंने मिस्र देश से निकाला है, उसके बारे में बोल रहे हैं। क्या आप प्रभु के, यानी आप दुनिया के हो या दुनिया से अलग हो? प्रभु कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, और मैंने तुम्हें इस दुनिया से अलग चुना है। यानी आप प्रभु के हो, यानी आप अगर अलग हो, प्रभु के हो, आप अगर आप मेरी प्रजा हो, तो फिर आपको समझना है हमें ये अपराध नहीं करने हैं। पर मेरी प्रजा ने ये किए हैं। उन्होंने क्या कर दिया, क्या ये दो कार्य कर दिए, आगे पढ़ेंगे। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया। अब पहला अपराध क्या है प्रभु का, प्रभु क्या कह रहा है, पहला अपराध क्या कर दिया हमने, हमने संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया। संजीवन जल का स्रोत कौन है? खुद ईश्वर। संजीवन जल का स्रोत यानी उसका मतलब क्या है, वहां से सारी चंगाई, मुक्ति, आशीष, सार शांति, सब वहां से फूट निकलता है। आपने उसको ही छोड़ दिया, आपने प्रभु को छोड़कर अपने अनुसार जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो। उड़ाव पुत्र का भी यही गुना हुआ, यही पाप हुआ। पिता के साथ रहकर उड़ाव पुत्र के जिंदगी में किसी भी बात की कमी आई, बोलिए ना। उसको कभी खाने पीने का तकलीफ हुआ, उसे कपड़े पहनने की कोई परेशानी हुई? बल्कि उसके तो एकदम टाइट इस्त्री वाले एकदम कड़क कपड़े मिलते होंगे, उसके मेज पर नौकर चाकर उसकी चाकरी करते होंगे, उसकी सेवा में लगे रहते होंगे। उसे कोई समस्या देखना नहीं पड़ रहा था जब तक किसके साथ था, बोलो ना। जब तक पिता के साथ था कोई कमी नहीं। सेम बात आदम और हेवा, जब तक पिता के साथ थे, पिता के कहे में रहते थे, कोई अदम वाटिका में कोई कमी थी, कोई कमी थी उनके जीवन में, कोई समस्या थी ना? पिता ने उनको पैदा करके उनका उनका उनकी रचना करने के बाद उससे पहले ही सब वहां वाटिका में पानी, फल, पेड़ पौधे, जीव, पशु, जानवर सब तैयार करके रखकर फिर पिता आदम और हेवा की रचना किए। क्यों? क्योंकि पिता इतना प्यार करता है, पिता चाहता है कि मेरे बच्चों को कोई प्रकार की समस्या ना आए, इसे सब तैयार करके रखा। पर आदम और हेवा ने जब पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, और सबसे बड़ा उल्लंघन हम कहां कर रहे हैं, हम पिता के प्यार पर भरोसा नहीं करते।
इसलिए तो हम उसको छोड़ते हैं और हमको लगता है हम जीवन अपने अनुसार जिएंगे। उड़ाओ पुत्र ने भी वही किया, ये सोच रहा है पिता के साथ रहने में मजा नहीं है, मैं अपना जीवन अपने अनुसार जी सकता हूं। हम जीवन जब अपने अनुसार जीना चाहते हैं, when we want to live a life by our own self, ईश्वर से अलग होकर, मुझे ईश्वर नहीं चाहिए। आज कई लोग ऐसे हैं, ईश्वर है ही नहीं है, कहाँ है ईश्वर। आज कई लोग नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं, को पता है अनेक लोग आज नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है, हम जीवन अपने अनुसार जी सकते हैं, हम इतने बुद्धि वाली है, हम कलावंत है, हम अपना जीवन अपने अनुसार जी सकते हैं। उड़ाव पुत्र ने यही सोचा, पिता के साथ रहने में मजा नहीं है, वहां पर तो बहुत रोक टोक है, बहुत ही बंदिशें हैं, क्यों ये करना ये नहीं करना, ये क्या, मुझे आजादी चाहिए, आई वॉन्ट फ्रीडम, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, और इसलिए मैं जीवन अपने अनुसार जीऊं, मेरी मर्जी से जीऊं। पता है बीच में एक गाना था, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हाँ, मैं चाहे लड़कियों पर लाइन मारता रहूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे साड़ियां पर साड़ियां खरीदते रहूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे मोबाइल पर पूरी रात बात करूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे अपने पैसे से कितना भी शराब पीऊं, मेरी मर्जी। क्या ये सच है या नहीं है? सच है ना या नहीं है? हाँ, कई भाई लोग हंस रहे हैं, उनको पता चल रहा है प्रभु हमसे ही बोल रहा है। हालेलुया। तो आज हम मेरी मर्जी का गाना गा गा कर हमको लग रहा है पिता से हमें रिश्ता नहीं चाहिए, हमें पिता के साथ नहीं चाहिए, इसलिए संजीवन जल के स्रोत को छोड़ देते हैं हम जीवन अपने अनुसार, अपने फैसले, उसकी सलाह नहीं पूछेंगे, उनके बच्चनों की शिक्षा नहीं देखेंगे, हमें जो सही लगता है हम करेंगे। और आज ये एक बहुत बड़ा ऐसा एक क्रम आ गया है, एक प्रकार का मनोभाव आ गया है, मेरे लिए जो सही है मैं वो ही करूँगा, तुम अपने लिए, तुम्हें मुझे रोक टोक नहीं करना है, तुम्हें मुझ पर न्याय नहीं करना है, मुझे जो सही लगता है मैं वो करूँगा, तुम्हें जो नहीं लगता है सही तुम अपने लिए रखो, तुम मुझे मत कहो। आज ये प्रथा चल रही है, दिस इज द, ये चलन है आज पूरे संसार में। नोबडी कैन करेक्ट, कोई एक दूसरे को सुधार नहीं सकता, कोई एक दूसरे को ये कह नहीं सकता कि ये गलत है। और आज विशेषकर विदेश में तो और ज्यादा चल रहा है, यू कैन नॉट करेक्ट समबड़ी। आज कई लोग, मैं पुरुष के साथ जाएगा ये मेरी मर्जी, लड़का होकर जरूरी है कि मुझे लड़की के साथ शादी करना पड़े, मैं लड़के के साथ भी शादी कर सकती हूँ, ये मेरी मर्जी। आज कई लोग ट्रांस, कितने सारे जेंडर आ गए, हमारे लिए तो बचपन में हम दो ही लिंग सीखे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, आज तो कई लिंग आ गए। आपको पता है या नहीं पता है? मेरी मर्जी। आज क्या क्या नहीं, सब लोग मेरी मर्जी का गाना गा रहे, आई वॉन्ट टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू, पर क्या ये सही है? अरे हर पीढ़ी में जो पाप है वो आज की पीढ़ी में भी पाप है, ये मत सोचना पहली वाली पीढ़ी में जो पाप था वो आज की पीढ़ी के पाप नहीं है। नो, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसका वचन बदलता नहीं, उसकी आज्ञा बदलती नहीं। बोलो हालेलुया, अच्छे से बोलो हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हम अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीना चाहते हैं, ये ना समझते हुए यीशु दाखलता है, हम डालियां हैं, डाली दाखलता से कट गई वो डाली सूख जाती है। अगर आज आपके जीवन में तनाव है, अगर आज आपके जीवन में चिंताएं हैं, अगर आज आपके मन में अशांति है, अगर आज आपके अंदर बहुत गमगीनता है, निराशापन है, दुख है, लड़ाऊ यानी मन में गुस्सा है, घर में बहुत यानी झगड़ालू माहौल है, तो समझ लेना आप दाखलता से कट चुके हो, ये सूखेपन की निशानी है। आज कई घरों में डिप्रेशन बढ़ रहा है, नकारात्मक विचार,
लड़ाई झगड़े का माहौल बढ़ रहा है, डिवोर्स बढ़ रहे हैं। क्या ये सच है या नहीं है? पता है इंग्लिश में शैतान को क्या कहा जाता है? डेविल। क्या कहा जाता है? डेविल। और डेविल का जो डी है उसी से देखो, डिवोर्स आएगा, डेथ आएगा, डिसिल्यूशनमेंट आएगा, डिस्करेजमेंट आएगा, डिस्पेयर, ये सारा डी डी से आ रहा है। सच है या नहीं? बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बात समझ लेना, चोर जरूर आता है और उसका एक मकसद है, क्या? बोलो बोलो, क्या वो आपके घर में, भाई आप बहुत थके हो, चलो मैं खाना वाना बना लेता हूँ, उस उद्देश्य से आता है चोर? क्या आपका जो खाना है वो चुराने आता है? वो आपका खाना पकाने नहीं आएगा, आपका पकाया हुआ खाना चुराने आएगा। अब एक बात, चोर जब चुराएगा, चोरी करेगा, तो वो क्या चुराएगा बोलिए? हाँ, आपके घर में कुछ फटे हुए कपड़े हैं, कुछ बेगार का बंगार का कोई सामान है, उसको वो चुराएगा? वो बंगार वाला नहीं है, वो चोर है, वो चोर है, वो महंगी चीजें लेने आएगा, कीमती वस्तु चुराने आएगा। और आज आपके जीवन में क्या कीमती है? आपके एक दूसरे के प्रति का प्यार, ये कीमती है। एक दूसरे को समझने की कृपा कीमती है, एक दूसरे को स्वीकारने की कृपा कीमती है। वो झगड़ा लगाता है मन में, दूसरों का दोष दिखाने के मन में डालता है। पहले जब पाप नहीं था, आदम और हेवा में पहले बहुत सामंजस्य था, एक दूसरे से प्यार करते थे, कोई एक दूसरे से लड़ नहीं रहा था। पर जैसे ही पाप आया, क्या हुआ? आदम कह रहा है, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। क्या कह के संबोधित किया? जिस औरत, औरत, औरत बोल रहा है। पहले क्या कह रहा था? मेरे हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस का मांस, माय डार्लिंग, माय स्वीटहार्ट, माय लव्ड वन, हाँ, मेरी मेरी चांद, क्या क्या नाम से बुलाए थे होंगे। अब वो चांद नहीं, ना स्वीटहार्ट है, अब वो कौन है? ये वो औरत जो जो तूने दी उसने खिलाया, यानी दोष लगाना शुरू हो गया है या नहीं? ये कब हुआ? चोर आ गया, चोर आ गया, चुरा लिया प्यार, एक दूसरे के प्रति का प्यार चुरा लिया उसने, एक दूसरे को स्वीकारने का प्यार चुरा लिया उसने। और यही चुरा रहा है आज आपके जीवन में। अच्छी तरीके से फैसला लेना, कोई भी सूझबूझ से, समझदारी से कार्य करना, प्रभु में समय बिताना, ये सब चुरा रहा है आपके अंदर का प्रेम, आपके अंदर की शांति, आनंद, सब चुराया जा रहा है। रात को नींद नहीं आती, गोलियां पर गोलियां खा रहे हैं पर नींद नहीं आती। गद्दा आराम का है, पैसा बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आराम वाला गद्दा आ रहा है, एसी आ रहा है, कंफर्ट तो, आराम तो बहुत बढ़ रहा है, पर आराम में विश्राम नहीं है। सच है या नहीं? हमारा यीशु क्या देता है? विश्राम देता है। थके मांदे बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज संसार की चीजों से आराम है, विश्राम नहीं है। इसलिए समझ लेना मेरे भाई, मेरी बहन, जब तक प्रभु हमारा घर ना बांधे, जब तक प्रभु हमारे घर की रक्षा ना करे, राजमिस्त्रियां व्यर्थ में श्रम करते हैं, पहरेदार व्यर्थ में जागते रहते हैं। प्रभु को हमारा जीवन बनाना है। इफ यू सिंग, आप अगर ऐसा सोचते हो, मैं जीवन अपने अनुसार जीऊं, मुझे जो सही लगे मैं वो करूं, यानी आपने संजीवन जल के स्रोत को क्या कर दिया? त्याग दिया। अब कितने लोगों ने ऐसा किया? सच कबूल कीजिए, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा अगर आपके दिल में बदलाव नहीं आता, या तो आपको एहसास नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, मेरी कितनी दयनीय परिस्थिति है, अगर आपको ये नहीं हो रहा ना, तो ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। क्यों पता है? क्योंकि आपका दिल बहुत ज़्यादा कठोर हो गया है।
मेरा नाम अंकित है, मैं गुजरात से आया हूँ। पहले तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि प्रभु ने मेरी सारी बीमारियों को चंगा कर दिया। मेरे पेट में जो दर्द था बहुत सालों से, टू इयर्स से जो बीमारी थी वो प्रभु ने मेरे शरीर से निकाल दी, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैंने कहीं सारे दवाई ली थी फिर भी मेरे पेट की बीमारी जा नहीं रही थी। यहाँ रिट्रीट में आके मेरी जो बीमारी का चंगाई मिली इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना के समय हम सब प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। ये वही प्रभु यीशु है जिसके सिंहासन के सामने हम सब उपस्थित है। पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे हृदय से, पूरे शक्ति से हम हमारे प्रभु की आराधना करेंगे क्योंकि हमारा प्रभु आराधना के योग्य है। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 57 और वचन 15, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु जो सदा बना रहता है
और जिसका नाम पवित्र है। यह कहता है, मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूं, किंतु मैं विनीतों को धारस बांधने तथा पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्य के साथ भी रहता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी वचन को लेकर हम हमारे प्रभु की आराधना करेंगे। सबसे पहले बात, वो सर्वोच्च प्रभु है। हमारे प्रभु जैसा कोई नहीं, वो सर्वोच्च प्रभु है। हमारे प्रभु से बढ़कर कोई नहीं, वो सर्वोच्च प्रभु है। और हमारा प्रभु सदा के लिए है, हमारा ईश्वर सदा के लिए है। आप और मैं, हम सब आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा प्रभु सदा के लिए है और उसका नाम पवित्र है। हमारा प्रभु पवित्र है, सर्वोच्च प्रभु जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है। हम उसी की आराधना करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब जहां कहीं पर भी हो, अब घुटने टेक सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, हाथों को उठा सकते हैं, और हमारे सर्वोच्च प्रभु जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, हम उसकी आराधना करेंगे, उसे धन्यवाद देंगे, स्तुति देंगे, महिमा। वो हमारा सर्वोच्च प्रभु है जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है। और हमारा प्रभु उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता है। हमारा प्रभु उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता है। इस आराधना के समय हम यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमें उस उच्च तथा पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। हमें उच्च तथा पावन स्थान में ले चल प्रभु, ले चल प्रभु, ले चल प्रभु। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। वचन कहता है कि हमारा प्रभु सर्वोच्च प्रभु है, हमारा प्रभु सर्वोच्च प्रभु है जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है। वह उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता है। हमारा प्रभु उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता है। हम सब यही प्रार्थना करेंगे, विनंती करेंगे इस आराधना के समय में, प्रभु हमें यह कृपा देना, वरदान देना कि हम उस उच्च और पावन स्थान में प्रवेश करे प्रभु, पवित्र दिल से प्रवेश करे प्रभु,
और आपकी आराधना करे प्रभु। आप आराधना के योग्य है प्रभु। ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आराधना उसी सर्वोच्च प्रभु के हम कर रहे हैं जो उच्च तथा पावन स्थान में निवास है। और वचन यह भी कहता है, विनीतों को धारस बांधने तथा पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्यों के साथ भी रहता है। आज हम प्रभु यीशु के सामने आराधना कर रहे, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें एक हृदय देना कि हम पश्चातापी बने, हमें विनीत होने का कृपा देना प्रभु, क्योंकि आप वादा करते हैं कि आप हमारे साथ भी रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब अपने आप को समर्पण करना, परिवार को समर्पण करना, जिसने आपके लिए आपसे प्रार्थना मांगा है उनको समर्पण करना, आपके दुखों को तकलीफों को समर्पण करना, और आपको विश्वास करना है कि जब हम प्रभु के पवित्र स्थान उच्च स्थान में प्रवेश करते हैं तो प्रभु का कृपा जो है हमारे साथ रहेगा, आशीष भी रहेगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु से वो आशीष स्वीकार करें, वो अंतिम आशीष स्वीकार करें। ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से।
मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा।